अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में से 4 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके। गौतम अडानी की पर्सनल नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से ज्यादा नीचे गिर चुकी है। ये विश्व में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से 7वें नंबर पे आ गए हैं। मार्केट में खलबली मची हुई है और ये तो सिर्फ फ्राइडे की कहानी है। 2 दिन मार्केट बंद है, अभी कल मार्केट और खुलेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी पे सबकी नजरें बनी हुई है। पर आखिर ये सब हुआ तो क्यों हुआ? बोले एक रिपोर्ट की कीमत तुम क्या जानो अडानी बाबू। तो रिपोर्ट तो एक ही है भाई लोग, लेकिन उस रिपोर्ट पे 10 न्यूज चैनल अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, 100 यूट्यूबर अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। सही क्या है एक आम आदमी के समझ में ही नहीं आ रहा, तो आम आदमी को आम भाषा में कौन समझाएगा? भाई समझाएगा। अच्छा, ये वीडियो जब भी देखो किसी लेंस लगा के मत देखना। कल तो बीजेपी वाले अलग तरीके से देखेंगे, कांग्रेस वाले अलग तरीके से देखेंगे। जिसने इन्वेस्ट किया उसकी भावना अलग है, जिसने नहीं किया उसकी भावना अलग है। लेकिन भाई साहब, आपने अडानी का स्टॉक लिया है या नहीं लिया है, आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, अगर अडानी के कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, इसका सीधा इंपैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो पक्का। कब, क्यों, कैसे, इसके लिए आज की रिपोर्ट को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं एकदम देसी भाषा में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। हाथ में चाय की प्याली थाम लीजिए। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति पे जो भी आरोप लगे हैं, लांछन लगे हैं, उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सो आर यू रेडी? तो भाइयों, ये है वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जिसके चक्कर में मचा हुआ है बवाल। ये 24 तारीख को रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की थी, खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ रहा हूँ मैं, किसी और वेबसाइट का लिंक नहीं पढ़ रहा कि कल को कुछ ऊपर नीचे हो। भैया हिंडनबर्ग रिसर्च की खुद की वेबसाइट पर अडानी के बारे में जो लिखा है उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चालू होती है इस लाइन से, वो कहते हैं भाई साहब हमने की है 2 साल रिसर्च, ऐसी हवाई फायर नहीं किया हमने। और 2 साल की रिसर्च में हमने क्या क्या किया देखो, हमने वी स्पीक विद डजंस ऑफ इंडिविजुअल, हम दर्जनों व्यक्तियों से मिले, उसमें से कई अडानी ग्रुप के ही फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। उसके अलावा हमने थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया है और डिलीजेंस साइट विजिट की है आधी से ज्यादा कंट्रीज में, मतलब 5-6 देशों में ये घूमे हैं अडानी के पुराने एम्प्लॉई, बहुत सारे लोग, और 2 साल की रिसर्च करके ये रिपोर्ट आई है। इन्होंने कहा रिपोर्ट का जो मेन काम क्या है कि भैया हमने ये देखा कि गौतम अडानी की वेल्थ $120 बिलियन बढ़ी, $120 बिलियन का आदमी हो गया, लेकिन उसमें से 100 तो पिछले 3 साल में आया, तो ऐसा क्या हो गया तूफान भाई। तो ये सोच के हमारे जब आइडिया आया, हमने इसकी रिसर्च चालू की और ये रिजल्ट हम पेश कर रहे हैं। तो जैसे अडानी ग्रुप इनको कह रहा है कि यार तुमने बिना रिसर्च के ऐसे ही बना दिया, तो तभी हिंडनबर्ग कह रहा है कि एक काम करो, केस करना ना कर दो, हम तैयार है। इतनी तैयारी है तभी बोल रहा है। अब इन्होंने जो तैयारी क्या की, उस पर क्या फैक्ट थे, क्या इन्फॉर्मेशन थी, चलते हैं उन पर बात करके। ये आपकी रिपोर्ट की स्टार्टिंग को जैसे हुई है, आप इसकी समरी पढ़ना चाहते हो, ये रिपोर्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप एक एक पॉइंट में समरी पढ़ लोगे। पर समरी में ही बताऊंगा तो फिर क्या मतलब है, समरी आप पढ़िए, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में क्या, कब, क्यों, कैसे। तो चलते हैं। इनका एक मुद्दा यह है कि भैया देखो, ये कोई इस तरह से कंपनियां बिहेव करती है क्या? इन्होंने कहा आप गौर से देखो, अडानी एंटरप्राइजेस ये इनकी कंपनीज है, एक साल में ये डबल हो गई, ये डबल से ज्यादा, ये डबल से ज्यादा, ये 1.5 गुना, ये क्या होता है भाई साहब? और एक साल तो चलो फिर भी समझ में आता है, 3 साल में देखो ये कंपनी 14 गुना, ये कंपनी 21 गुना, ये कंपनी 9 गुना, ये कंपनी 7.5 गुना। तो इस तरह की चीजें जब होती है मार्केट में और उसमें कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, तुम कोई बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जस्ट बिकॉज कमिटमेंट कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसी बेसिस पे इतनी ग्रोथ हो जाए, ये वैसे ही शक का कारण है। और आपको पता है देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे हंगामा तो बरपा हुआ है, लेकिन ये बात है कि कहीं ना कहीं टुकड़ों में, दबी आवाज में, किसी मीडिया ने, किसी व्यक्ति ने बात तो कई बार उठाई है। हिंडनबर्ग ने क्या किया है कि जो आज तक मार्केट में हौले हौले बातें उठ रही थी ना, बस उस बात को एकदम बाहर लाके रख दिया। तो इस रिपोर्ट में उनका कहेगा नई बात है, तो नई बात ज्यादा नहीं है, बातें पुरानी है, बट नए तरीके से और डिटेल तरीके में पुरसी हुई है, इसलिए इसने हंगामा कर दिया है। अभी इन्होंने अपनी समरी की पहली लाइन कुछ इस प्रकार बोली कि तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन को 0 मान लो, उसके बाद भी इस कंपनी की वैल्यू 85% ये ओवर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू इतनी तो कम से कम टूटनी चाहिए। ये कैसे, अब सुनो भाई साहब। तो ये रिपोर्ट सिंपल से कहती है देखो, किसी भी शेयर की भाव सही है या जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से कम है, डिसाइड करता है उसका पीई रेशियो पे। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 24x होता है कि भैया आपकी अर्निंग के कंपेरिजन में प्राइस इतना ऊपर है तो हम झेल लेंगे, लेकिन तुम कह रहे हो 24x होना चाहिए, अडानी ग्रीन है 815x। यानी अगर इसको मार्केट एवरेज पे मैं लेके आऊं तो 97% इसको डाउन हो जाना चाहिए। अगर जैसी बाकी सबके बराबर इसको लाओगे, 97% डाउन इसमें आना चाहिए।
ये कहते हैं। अडानी पावर में 24 है, 29 आना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 18% टैक्स है, दैट आप और मैं सब समझ सकते हैं कि ठीक है यार 24 की जगह 29 हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। यहां पे 20 का 831 ये तो नहीं चलता भाई साहब, 24 का 312 92% डाउन, 12 का 508 तो ये दिखा रहा है कि देखो 97 92 97 93 इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनियां हैं। इसका भाई साहब इस चक्कर में इस कंपनी को हमारी इन्वेस्टिंग इग्नोर भी करोगे ना तो आज नहीं तो कल आगे पीछे मार्केट की फोर्स इसको नीचे लेके आएगी। अब इस पॉइंट को लेके है ना कई लोगों के इसमें विचार हैं, जैसे कोई प्लस वाला आदमी कह देता है कि अरे भाई साहब क्या हो गया इसमें, कंपनी बढ़िया है इसलिए ज्यादा पी दे रहे, आगे पीछे आ जाएगी। नेगेटिव वाला बोलता है तो बहुत ज्यादा है। अब मेरी ओपिनियन मैं नहीं दे रहा, ये आप डिसाइड करोगे ये ज्यादा है कि कम है। सेकंड चीज ये कह रहे हैं कि भैया इनका करंट रेशियो 1 से कम है, इनके शॉर्ट टर्म में दिक्कत आएगी। करंट रेशियो क्या होता है हिंदी में समझो, करंट रेशियो का मतलब होता है कि आपकी करंट लायबिलिटी अगले 6 महीने 12 महीने में आपको कितने पैसे देने हैं और अगले 6 महीने में 12 महीने में आपको पास कितने पैसे आने हैं। अगर आपके पास आने ज्यादा हैं देने कम हैं तो आप सॉलिड आदमी हो, पर आपके पास आने कम है और देने ज्यादा है तो डर वाली बात है। तो एक करंट रेशियो 1 होने का मतलब क्या है, जितना देना उतना लेना बात खत्म, और 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि भैया देना कम है लेना ज्यादा है तो आप स्ट्रांग आदमी हो। इनका 1 से क्या हालत आ रही है, इनका 1 से आ रहा है 0.5 यानी आधा, कि इनको भैया क्या है कि 1 रुपया देना है आएंगे 50 पैसे ही, अडानी पावर को देना 1 रुपया है आएंगे 90 पैसे ही। सेम टोटल गैस में सेम चीज है, सेम अडानी ट्रांसमिशन सेम इसमें है, सिर्फ 2 कंपनियां अडानी विल्मर अडानी पोर्ट है जहां पे इनका करंट रेशियो पॉजिटिव है, जहां पे इनको शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो इसको FCF है फ्री कैश फ्लो, कि भैया इनके पर ईयर खर्चा कितना हो रहा है, कैश कितना जा रहा है या कैश कितना आ रहा है, इन्होंने कहा भैया 14,685 करोड़ रुपए जो है इनके माइनस है हर साल। यहां पैसा अडानी पावर में पैसा आने लग गया, पोर्ट में आने लग गया, विल्मर में आने लग गया, बाकी लेकिन 4 में तो माइनस ही है। अब इसके जो हेटर्स हैं वो कहते हैं देखो कितनी बुरी बात है भाई साहब, ये करंट रेशियो माइनस में चल रहा है और ये जो इनका FCF रेशियो है ये तो ऐसे जा रहा है। इनको जो फेवर करने वाले लोग क्या कहते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है ऐसा ही तो होता है, आज माइनस है देखो ये पहले ये भी माइनस थे प्लस आ गए, आगे जाके ये भी प्लस आ जाएंगे, करंट रेशियो शॉर्ट टर्म की तो बात है 12 महीने बाद ये रेशियो पलट जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं यहां पे ओपिनियन दूंगा तो भाई साहब ऐसा है, मैं हूं बिजनेस कोच, मैं करता हूं बिजनेस की बात, लेकिन अडानी जी की बात करते ही वो बात बिजनेस की पता नहीं क्यों नहीं रहती, उसमें भाई साहब बीजेपी भी आ जाती है, कांग्रेस भी आ जाती है, कोई भाई मुझे भक्त भी कह देता है, कोई भाग मुझे चमचा भी कह देता है, कोई भाई मुझे एंटी अडानी कह देता है, कोई एंटी नेशनल कह देता है। तो भाई साहब बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, उन पर वीडियो बनाएंगे, उसमें ओपिनियन रखेंगे, यहाँ पे ओपिनियन रखना चाहते हुए ओपिनियन नहीं रख सकते क्योंकि भाई साहब ठप्पा बड़ा लगा देते हो आप। तो आपसे भाई साहब प्रणाम और चलते हैं अगले टॉपिक। सेकेंड जो आरोप लगाया इन्होंने कहा कि तुमने अपने शेयर प्लेज कर रखे हैं यानी गिरवी रख रखे हैं। अब ये वैसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में नॉर्मल प्रैक्टिस है, कई लोग रख देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा भैया ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे शेयर ओवर वैल्यूड है। सपोज कंपनी ने तुमको कहा कि एक बैंक ने तुमको 100 करोड़ का लोन दिया है, तुमने उसके बदले में उसको 150 करोड़ के शेयर दिए, ठीक, तो 150 करोड़ के शेयर के बदले 100 करोड़ का लोन बड़ी बात नहीं, आराम से तुम बैंक सिक्योर है ना, बैंक की क्या दिक्कत है, 150 करोड़ के शेयर पड़े, लेकिन ये कह रहे हैं तुमने जो 150 करोड़ के शेयर दिए वो तो ओवर वैल्यूड है, एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू 20 करोड़ ही है। तो जिस दिन वो 150 से 20 पे आए उस दिन बैंक 80 करोड़ रुपए डूबेगा, और भाई साहब बैंक डूबेगा तो धीरे धीरे सब लोग डूबेंगे। इस चक्कर में इन्होंने कहा, और सबसे जो ज्यादा टारगेट किया इन्होंने कहा देखो अडानी पावर को देखो, 75% तुम्हारे हैं, उसमें से तुमने 25 दे दिए, ग्रीन में तुमने 60 में से 4 दे दिए, यहां तुमने 6 दे दी, यहां तुमने 2 दे दी, यहां तुमने 17 दे दिए, 4 में तो नहीं दिया है, 4 में दिया है, 2 में थोड़ा ज्यादा दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर ये अडानी पावर के शेयर टूटे तो क्या होगा, 25% तुम्हारे शेयर बैंक के पास पड़े हैं और कल को इसकी वैल्यू आधी रह गई, तो जैसे अभी एक लोअर सर्किट लगा ये शेयर टूटा, अगर दोबारा 2-3 लोअर सर्किट और लग गए तो फिर तो बैंक के पास तो अनसिक्योर्ड काम हो गया, बैंक तो तुम्हें मोटा लोन देके बैठा है, तो उसके पास तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो बैंक अगर डूब गया तो फिर क्या होगा तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट ये रिपोर्ट कहती है कि भाई साहब बात ऐसी है कि जो गौतम आपके अडानी जी हैं ये आपकी 7 में से 6 कंपनियों में तो भाई साहब खुद ही चेयरमैन है, तो भाई इसमें क्या बड़ी बात हो गई, खुद की कंपनी तो खुद ही होगा चेयरमैन। बोले नहीं साहब, ऐसा होने से हाई कीमेन रिस्क आता है, हाई कीमेन रिस्क का मतलब कि भाई मोस्ट ऑफ द डिसीजन आप ही लेते हो, सब बातें घूम के आप ही आती है, आप ही स्ट्रेटजी बना रहे हो, आप ही प्लान बना रहे हो, आप ही सोच रहे हो, कल को अगर आपको कुछ हो गया भाई साहब
भगवान ना करे आपके कुछ हो जाए, आपके जरा सी जुकाम आती तो मार्केट लाल हो जाता है, तो भगवान ना करो आपके कुछ हो जाए, पर आपके कुछ हो गया तो क्या होगा आपके इन्वेस्टर्स का। सेकेंड चीज की अडम अडानी जी को भी घर छोड़ दें तो 22 जनों की जो मेन लीडरशिप टीम है उसमें से 8 मेंबर ऐसे हैं जो अडानी फैमिली से जुड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम जब इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने एक अडानी ग्रुप के पूर्व एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू लिया, उनका नाम उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, वो बंदा बोलता है कि ये अडानी ग्रुप है बेसिकली एक तरह का फैमिली बिजनेस ही है, जो भी डिसीजन मेन डिसीजन करना नहीं करना इनके फैमिली के लोग ही डिसाइड करते हैं, प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहता है। ये शुरुआत में मुंद्रा पोर्ट जब मिला था उस समय जो परिवार काम कर रहा था वही फैमिली बढ़ते बढ़ते आ गई है। शुरुआत में फैमिली बिजनेस होना ठीक है, पर जैसे जैसे बड़े प्रोफेशनल आने चाहिए, ये कह रहे हैं प्रोफेशनल आए नहीं है, और आए भी है तो उनको फ्रीडम ज़्यादा नहीं है, डिसीजन तो यही लेते हैं। ये रिपोर्ट अगले लेके आती है गौतम अडानी जी के बड़े भाई को, जिनका नाम है विनोद अडानी। ये अभी 2022 में जो रिचेस्ट NRI इंडियंस की लिस्ट निकली है कि NRI जो भी है सबसे अमीर, उसमें इनका नाम सबसे पहला है। इन्होंने साल 2022 में 102 करोड़ रुपए प्रति दिन के हिसाब से 37,200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ इनकी बढ़ी है पर्सनली। और इनके बारे में कहा जाता है ये अडानी ग्रुप के सबसे रहस्यमयी हैं। एक पेपर आता है मॉर्निंग टेक्स्ट पेपर ने कहा भाई साहब कि विनोद अडानी जी एक ऐसे एल्यूसिव फिगर है जिनके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, बिना कुछ पता हुए 102 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आखिर कैसे। तो समझते हैं, इस पूरी कंपनी ने बताया कि ये राउंड ट्रिपिंग करते हैं जी। अब राउंड ट्रिपिंग क्या होती है समझते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि जो भैया विनोद अडानी जी हैं, इनके पास बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज हैं या शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज ऑफशोर मतलब इंडिया के बाहर, शेल कंपनीज का मतलब वो कंपनियां जिनके अंदर कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा 38 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हिंडनबर्ग ने रिसर्च की है जिनके पास ना एम्प्लॉय के नाम थे, ना काम था, ना नंबर ढंग से मिले, ना एड्रेस ढंग से मिला, ना वेबसाइट मिली, कि भैया बस कंपनियां कागजों में थी और कुछ भी नहीं था, और वो सारी कंपनियों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे हमारे विनोद। तो हिंडनबर्ग कहती है इनका पैटर्न कैसे है भाई साहब, पैटर्न ऐसा है कि विनोद अडानी जी पैसा डालते हैं, अडानी की फैमिली की जो भी प्राइवेट कंपनीज या ऑफशोर कंपनीज ट्रस्ट है कंपनीज है इनमें डालते हैं पैसा। ठीक, ये पैसा क्या करता है, ये पैसा भाई साहब यहां से चलता है, ये अडानी फैमिली की ट्रस्ट को कंपनीज को जो मॉरिशस में है उनके पास पैसा जाता है, और ये मॉरिशस की कंपनी के पास पहुंच गया पैसा। तो इन्होंने पैसा डाला इसमें, ये पहुंच गया यहां पे, और ये ही कंपनियां जो हैं अडानी की लिस्टेड कंपनी जो भी अपन देख रहे हैं अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइज, इनको पंप कर रही है। आप सिंपल सा गेम समझो, शेयर के प्राइस कैसे बढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई, कि अगर डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, कि शेयर तो बहुत कम है, मांगने वाले ज्यादा है, तो भाव एकदम से बढ़ जाएगा। तो बात है कि यार अडानी के शेयर मांग कौन रहा है, तो इन्होंने कहा खुद के खुद ही मांग रहे हैं, खुद की ही कंपनी का 100 रुपए का जो शेयर है वो इधर से पैसा आया और उस कंपनी को 200 में खरीदा, 300 में खरीदा, और जब शेयर भागा तो आप और मैं और बाकी लोग भी आए, वो भी आए, और ऐसे करके धीरे धीरे इसके शेयर बढ़े हैं और हम लोगों को यहाँ पे गेन मिला है। ऐसा कहना है हिंडनबर्ग रिसर्च का कि ये मॉडल सपोरंडी है जिसपे इन्होंने रिसर्च की और बहुत सारे पेपर भी पब्लिश किए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियां हैं जो डीलिस्ट होने के कगार पे है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है, कंपनी का सेबी कहती है कि भैया जो प्रमोटर है उसके पास 75% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए, 75 या उससे कम शेयर होगा तो चलेगा। ये कहती है देखो अडानी ट्रांसमिशन के पास 74.19, इसके पास 72, इसके पास 74.97, 74.80, और ये अडानी विल्मर, इस पर भी बात करेंगे, स्टार लगाते हैं इस पर। इन्होंने कहा देखो ये जो चार कंपनियां हैं, अगर मान लो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से बाद में पता पड़ा कि अडानी पावर के पास वैसे तो 74.97 है और इसका 1% शेयर भी किसी इनके भाई बंधु ने इधर उधर दूर में कहीं ले रखा और पता चल गया, तो ये टोटल शेयर जो प्रमोटर फैमिली का कितना हो जाएगा, 75 से ऊपर, तो ये कंपनी हो जाएगी डीलिस्ट, मार्केट से हट जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि पहले ही तुम इतने उस पर चल रहे हो और अभी इन्वेस्टिगेशन और ऑन है, अगर 4-5 एंटिटी निकल गई जिससे तुम्हारा नाम जुड़ गया तो ये तो ब्लैकलिस्ट, ये तो डीलिस्ट होने की कगार पे। अब एक सवाल की राव जी, फिर तो 75 का अगर फिगर है तो ये अडानी विल्मर 87 पे कैसे। सर उसके लिए इनके पास अभी टाइम है 2025 का, एक कंपनी कहती 2025 तक का टाइम है इनके पास, 2025 तक अगर ये अपनी कंपनी का 12.94% निकाल देंगे तो ये यहां से बच जाएंगे। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए वैसे नहीं कह रही कि ऐसा हो जाएगा, ये तो क्लेम कर रही है कि तुम्हारी जो अडानी ट्रांसमिशन है उस पर, ये तो तुम्हारे पास एक्चुअल है जो तुमने सेबी को बता रखी है, ये चार कंपनियां इन्होंने रिसर्च करके बताई कि ये जो 10.27 तुम्हारी खुद की ही कंपनियां हैं जो अलग अलग नामों से है, बेनामी है। और अगर ये बात जो हिंडनबर्ग ने अगर आरोप लगाया है अगर ये सच हो गया तो ये चार कंपनियां डीलिस्ट हो जाएगी।
हिंडनबर्ग कह रही है, देखो एक कंपनी है APMS इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्ट फंड, LTS, LRA, ओपल, ये कह रहे हैं पांच कंपनियां हैं। अब ये म्यूचुअल फंड के रूप में या एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई है। अब मुझे बताओ, अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आप और मैं मिलके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो हमारी क्या इच्छा रहेगी कि यार एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दें या अलग अलग कंपनियों में लगाएं? हम सोचेंगे यार 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करो ताकि कुछ ऊपर नीचे हो तो हम बच जाएं, सारे पैसे एक जगह क्यों लगाने। बट इन कंपनियों को ये बात समझ नहीं आई, पता हूँ क्यों। ये कह रही है कि मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, हमने 2.3 बिलियन 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट 10 कंपनियों में नहीं किया, हमने सिर्फ अडानी की कंपनी में ही 99.4 लगा दिया। ये दूसरी कंपनी बोलती है हमने 674 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 90% सिर्फ अडानी में, इनका हो गया लगभग 12,000 करोड़ का, 98% सिर्फ इन कंपनी में, 3 बिलियन का इतना सिर्फ इसमें, 613 मिलियन का 100% इसमें। ये लो जी पांच के एग्जांपल दिए हैं कि यार ये किस एंगल से आपको लग रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ऐसा लग रहा है कंपनियां क्रिएट हुई है, इनमें कहां से पैसा आया है पता नहीं है, पर ये पूरा पैसा लगता अडानी कंपनी में है। तो ये कंपनी क्लेम करती है कि इन्हीं की बनाई हुई कंपनियां हैं, इन्हीं का पैसा घूम घूम के आ रहा है और इसी पैसे को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल है कि भैया हिंडनबर्ग कौन होती है ऐसा बोलने वाली कि यार ये कंपनियां फर्जी अडानी की, क्या प्रूफ है इनके पास? इन्होंने कहा देखो प्रूफ तो नहीं है, शक करने की एक वजह है, वो बता देता हूं। इन्होंने कहा देखो क्या है, कोई भी जब बड़ी कंपनियां किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उनमें क्या फीचर होता है, सुन लो। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के फीचर सुनो। वो कहते हैं कि देखो वो वेल नोन इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, उनकी वेबसाइट होती है, उनमें सारी डिटेल की उनके की एम्प्लॉय कौन है, उनसे बात कैसे की जाए, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके पैसे कहाँ से आते हैं, वो पैसा कहाँ से लाए थे, उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं और क्या खरीदा क्या बेचा, उसका पूरा ब्योरा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है, वो सब यहाँ होता है। ये कब होता है? बड़ी कंपनीज में जब करती है। और ये जो पांच इन्वेस्टमेंट फंड के नाम लिए जिन्होंने अडानी में 100% डाल रखा है, इनमें इनको क्या लगा कि बोले यार ये जो कंपनियां थी ना ये हमें तो मॉरिशस या ऑफशोर की एंटिटी लगी, इसमें कौन ओनर है पता ही नहीं भाई साहब, एक्चुअल ओनर का नाम नहीं पता, नॉमिनी डायरेक्टर बना रखे। दूसरा इन्होंने कहा कि देखो ये कंपनियां हजारों करोड़ रुपए संभाल रही है पर इनकी वेबसाइट पे कोई प्रेजेंस ही नहीं है, गूगल करो तो मिलती नहीं है, इनके एम्प्लॉय के नाम नहीं पता, लिंक्डइन पे ढूंढो तो मिलते नहीं है, इनका मार्केटिंग मटेरियल शून्य है, ये पैसा कहां से लाई इसका कोई सोर्स नहीं बताया, इनके बारे में मीडिया में अखबारों में कहीं भी कोई भी कभी भी न्यूज आर्टिकल में इनका जिक्र ही नहीं है। ये कंपनियां डाइवर्सिफाई नहीं करती, सिर्फ अडानी कंपनी के शेयर खरीदती है और बैठ जाती है, ये प्राइस इनसेंसिटिव है, अडानी का शेयर गिरता है तो बेचती नहीं है, खरीदता बढ़ता है तो कुछ भी नहीं करती, खरीदा और बस बैठ गए। यार आपका काम क्या है, इन्वेस्ट का काम क्या होता है, लो में दिखा तो पकड़ लिया, ठीक है फिर आगे गए टॉप गया तो बेच दिया फिर ले लिया, ये कंपनियां बस खरीद के बैठ जाती है शांति से। और ये बात कोई नई नहीं है, इस पे इस तरह के लांछन पहले भी लगे थे, आज के 1.5 साल पहले ही, मंत्री आज की कुछ समय पहले भी खबर आई थी कि इनकी मॉरिशस कंपनी है ऐसा ऐसा होता है, और इस बात की सेबी में कंप्लेन की गई थी और जांच अभी भी जारी है। तो हिंडनबर्ग ने कोई नई चीज नहीं बताई है, ये चीज पहले पता थी, अखबारों में भी आई थी, उस समय शेयर थोड़ा सा टूटा भी था लेकिन बाद में बात आई गई होगी और चीज वापस बढ़ गई। ये केस अभी भी चल रहा है सेबी के पास। इस रिपोर्ट में आगे जाके एक ऐसा नाम लिया गया जो स्टॉक मार्केट उससे काफी पहले ही प्रताड़ित हो चुका है, केतन पारेख जी। इन्होंने 10 स्टॉक को मैनिपुलेट किया था जिनको K10 नाम से जाना जाता है। उन स्टॉक के अलावा इन पे ये आरोप है कि इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट जो कि आज अडानी एंटरप्राइजेस है इसके मैनिपुलेशन में भी वर्क किया था। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है साहब? ये रिपोर्ट ये कह रही है भाई साहब आपको कि 14 अडानी की प्राइवेट जो कंपनीज हैं इनके शेयर ट्रांसफर हुए हैं उन कंपनीज को जो कि केतन पारेख साहब हैंडल करते हैं। तो ये जो 14 अडानी की प्राइवेट लिमिटेड है इन्होंने 11 ऐसी कंपनियों को ट्रांसफर किया जो केतन पारेख द्वारा होल्डेड है और इसकी वैल्यूएशन है 3400 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं इस कंपनी से उस कंपनी में। अब ये कह रही है कि भी क्यों ट्रांसफर हुए हैं, बोले ये मैनिपुलेशन के लिए है ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है। तो इनपे ये भी आरोप है कि सन 2000 में अगस्त 2000 के अंदर 14 अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने 11 ऐसी एंटिटी को 340 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जो कि केतन पारेख साहब संभाल रहे थे। तो इसके पीछे कारण है कि यार स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए ये चीज की गई है। नेक्स्ट आरोप ये रिपोर्ट ये लगाती है कि भैया दिसंबर 2003 के अंदर क्या हुआ था, 34 ब्रोकर और सब ब्रोकर ने मिलके एक सिंक्रोनाइज्ड रिवर्सल ट्रेडिंग की थी, फिक्टिशियस ट्रेडिंग की थी, जिसकी वजह से ADAEL अडानी एक्सपोर्ट जो कि आज अडानी एंटरप्राइजेस है उसका शेयर 128% बढ़ गया था मात्र 19 दिनों में। नेक्स्ट आरोप जो ये रिपोर्ट लगाती है वो कहती है अडानी ग्रुप की जो 7 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है ना
उनकी 578 सब्सिडरी कंपनीज भी है और इन्होंने आपस में भी परचेस सेल के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, आपस में माल का खरीदना बेचना पैसे का घुमाना चलता रहता है, जो कि पिछले साल 6025 ट्रांजेक्शन आपस में हुए हैं सिर्फ 2022 में। ये कंपनी ने रिपोर्ट भी किया है। ऐसा है, ये नहीं है कि ऐसा करना गलत होता है, पर ये कह रहे हैं कि ऐसा गलत इंटेंशन के साथ किया गया, ऐसा इनका कहना है। ये कंपनी आगे कहती है कि भैया ये जो विनोद हैं, इनके बड़े भैया जिन्होंने 102 करोड़ रुपए पर डे कमाए थे, इनकी 38 से ज्यादा कंपनियां हैं जो मॉरिशस में लिस्टेड है, शेल कंपनीज है, और इनकी अलग अलग कंपनियों में बहुत सारे इंटर पार्टी रिलेशन हुए हैं जिसका कोई सब्सटेंशियल बेसिस इनको नहीं मिला। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है भाई साहब, ये रिपोर्ट ऐसे कह रही है, एक कंपनी है क्रुणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये विनोद अडानी जी की मॉरिशस बेस्ड एंटिटी है, इन्होंने 1171 करोड़ रुपए दिए एक अडानी की प्राइवेट एंटिटी को और डिस्क्लोजर भी नहीं किया कि ये एक रिलेटेड पार्टी लोन था, क्योंकि कृणाल जो है वो विनोद जी की है और वो दे रहे हैं अडानी की कंपनी को, तो रिलेटेड पार्टी तो हुआ पर ऐसा उन्होंने बताया नहीं। दूसरा ये कहते हैं कि इन्होंने इस अडानी की जिस प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दिया, इस अडानी प्राइवेट एंटिटी ने 984 करोड़ रुपए किसको दिए, अडानी एंटरप्राइज को दिए। तो ये कह रहे हैं देखो कृणाल से पहुंचा इनको, इनसे पहुंचा इनको, और ये कंपनियां तीनों घर घर में खेल रही है। और जो कंपनी भाई साहब 1100 करोड़ रुपए दे रही है, 900,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन लेनी देनी हो रही है, उस कंपनी का कोई फिजिकल एड्रेस मिला नहीं, कोई फोन नंबर मिला नहीं, कॉर्पोरेट रजिस्टर में कुछ है नहीं, एम्प्लॉय लिंक्डइन पे है नहीं, कोई वेब में मेंशन है नहीं, वेबसाइट देखी तो भी कुछ नहीं मिला। तो ये कह रहा है भैया शेल कंपनी है और नहीं है तो प्रूव करो। सेकंड पॉइंट, ये रिपोर्ट कहती है कि देखो भाई साहब ऐसा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है भाई साहब, अच्छा इस कंपनी के बारे में ब्यूटी कैसा, इस कंपनी का नाम अडानी पावर ने बकायदा रिपोर्ट में मेंशन किया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में दिखाया है कि हाँ जी ये कंपनी से लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडनबर्ग बोल रही है, तो अडानी पावर खुद भी बोल रहा है कि हाँ जी लिया तो है, क्या लिया है। और इस कंपनी के बारे में इन्होंने मालूम किया कि डीएमसीसी जो कंपनी है वो यूएई की कंपनी है, ठीक, जिसने अडानी, जिसने महान इनर्जन करके एक कंपनी को 7900 करोड़ रुपए दिए हैं जो कि अडानी पावर की सब्सिडी है। हिंडनबर्ग क्या बोल रही है, इस कंपनी के भी कोई एम्प्लॉय लिंक्डइन पे नहीं है, इसका भी कोई ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ये मिलती नहीं है, इसका वैसा कोई क्लाइंट नहीं मिले, कोई डील नहीं मिली, इसका तो एक यूएई में अपार्टमेंट है जहां पे ये रजिस्टर्ड है, कोई ऑफिस वगैरह भी हमको नहीं मिला। तो ऐसी कंपनी से आपने यार 7900 करोड़ का लोन लिया, समझाओ साहब। इसी कड़ी में ये नेक्स्ट कहते हैं कि भैया देखो अडानी इंफ्रा जो कि अडानी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, इसने लोन किया है अडानी एंटरप्राइजेस को 1720 करोड़ रुपए और अडानी पावर जो मुंदड़ा है उसको दिए 2980 करोड़ रुपए। ये मोटा मोटी ट्रांजेक्शन बनता है 4700 करोड़ रुपए का। अब सवाल है कि इसके पास 4700 करोड़ कहां से आए, तो पता चला इसी साल इसको मिले हैं 7400 करोड़। किन से, तीन कंपनियों से, कौन सी, रहवर इंफ्रा, सेकेंड मिली गार्डेनिया ट्रेड, थर्ड है माइलस्टोन। ये कह रहे हैं तीनों कंपनियों का एनालिसिस करते हैं, वही ना इनके एम्प्लॉई है, ना इनके वेबसाइट है, ना इनके पास और कोई चीजें हैं, और इनमें इतना पैसा कहां से आया कि ये 7400 करोड़ अडानी जैसी कंपनी को दे सके इस पे। और ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनका लिंक है और ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ये कंपनी एक इंसिडेंस और देती है कि देखो जी एक कंपनी है जिसका नाम है आपकी रहवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के एम्प्लॉई ये खुद भी 21 की बैलेंस शीट में कह रहे हैं भैया हमारे जीरो एम्प्लॉई हैं, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, उसके बाद भी इस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए दिए अडानी इंफ्रा को। तो जब चेक किया गया कि इस कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आया और है कौन ये लोग, तो दो आदमियों का नाम आया कि लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी के पास 50% शेयर है, दूसरा है योगेश रमनलाल शाह जी जिनके पास शेयर है। ये दो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस कंपनी में जीरो काम, जीरो एम्प्लॉय होने के बावजूद भी इतना बड़ा पैसा इंफ्रा को दे दिया। तो ये दोनों कौन है, ये दोनों भाई साहब, ये लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी अडानी की एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर रहे 2013 से, और ये जो योगेश रमनलाल शाह जी हैं ये भी तीन अडानी ग्रुप की कंपनियों में कभी डायरेक्टर रह चुके, तो ये अडानी ही ग्रुप के पूर्व एम्प्लॉई हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं जो एक नई कंपनी बना के उस हिसाब से चीजों को घुमा रहे हैं। और ये जो कंपनी है रहवर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने इतना बड़ा अमाउंट दिया है, ये है उसका ऑफिस, बाहर लिखा है नाम और ऑफिस में है ताला। यहाँ पे लिखा है कि भैया ये जो कंपनी है यहाँ पे बंद है, अगर कोई काम हो तो जिग्नेश देसाई जी से बात कर लो, और जिग्नेश देसाई जी को अगर आप सर्च करोगे तो वो कहेंगे कि मैं तो एग्जीक्यूटिव हूँ अडानी एंटरप्राइज में, बकायदा उनको अवार्ड उच्च अवार्ड और मिला हुआ है अडानी से, तो ये अडानी से ही रिलेटेड है, ये तो पक्का प्रूव्ड है। और अडानी से रिलेटेड एक कंपनी अडानी ग्रुप को पैसा दे रही है, कहां से आया पता नहीं है, ऐसा हिंडनबर्ग कह रही है। इस कंपनी का ये जो अभी आपने ऑफिस देखा था, ये जो आपने ऑफिस देखा था ना, ये अभी ऑफिस है, इससे फरवरी 2022 से पहले इसका ऑफिस एक घर के अंदर था और वो घर ही है। यहां पे गए तो भी कुछ पता नहीं पड़ा कि भैया
कौन ओनर है इस कंपनी का। तो पहले एड्रेस ये था, फिर वो हो गया, मिलता कहीं पे भी कोई नहीं। तो ये बात तो हुई इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, कि पैसा कैसा आ रहा है, कैसे पैसा जा रहा है। अब इन्होंने एक बात और बताई कि भैया एक बताओ, किसी भी स्ट्रांग कंपनी में सीईओ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो सीएफओ, क्योंकि फाइनेंस की और पैसों के लेन देन की सारी जानकारी उसके पास होती है। नॉर्मली कई कंपनीज में सीएफओ 20-50 साल पूरे जीवन भर वहीं रहते हैं, या फिर अगर बदलते भी हैं तो 10-20 साल नौकरी करके। लेकिन अडानी ग्रुप में ऐसा नहीं होता। इस कंपनी का कहना है कि भैया जो अडानी एंटरप्राइजेस की मेन कंपनी है, मेन कंपनी जो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसमें आपके 8 साल में 5 सीएफओ बदल चुके हैं। इनका पहले देवांग देसाई जी थे, उन्होंने 14 को रिजाइन किया, फिर नए अमित जी आए वो 3 साल टिके, फिर राजीव जी आए वो भी 1 साल टिके, फिर उसके बाद राकेश जी आए वो भी 1 साल टिके, और अभी जुगेशिंदर जी हैं जो अभी भी बने हुए हैं। तो इनमें देखो कि पिछले, अगर मैं इस 3 साल की बात करूं, 17 से 19, हर साल सीएफओ चेंज हुआ। ये अकाउंटेंट नहीं है कि हर साल बदल सकते हो, सीएफओ है जो कि कंपनी के हिसाब से और एक नॉर्मल मार्केट के हिसाब से भी कि बात तो बड़ी है कि ऐसा क्या सीएफओ को गड़बड़ लगता है कि वो कंपनी ज्वाइन करते तुरंत छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस में है, ये सब में है। अडानी एंटरप्राइज में तो 8 साल में 5 सीईओ गए हैं। ये इसकी अगर हम बात करेंगे हमारे अडानी ग्रीन की, यहाँ भी 5 साल में 3 सीएफओ, पोर्ट में भी 5 साल में 3, पावर में भी 5 साल में 3, या 4 साल में 2, या 2 साल में 2 सीएफओ यहाँ पे टिकते क्यों नहीं है, क्या बात है ये। नेक्स्ट चीज जो कहते हैं कि भैया इनके सीएफओ की हालत है, ऑडिटर पे आ जाओ। ये कहते हैं इसकी कंपनी जो मेन कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी गैस, इसकी ऑडिटर फर्म का नाम है शाह धंदारिया एंड कंपनी, और ये उसके 4 पार्टनर। जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा इसमें 4 पार्टनर है, ये हैं भाई साहब, ये एक सीनियर पार्टनर है, 3 भाई साहब है जिन्होंने किया। अडानी गैस की बैलेंस शीट देखो साहब, ये आपकी जो बैलेंस शीट है अडानी गैस की, साइन किसने की है, ये शुभम रस्तोगी जी ने साइन की है। कब की है? 15 अक्टूबर 2018 को की है। ये शुभम रस्तोगी जी का पैन कार्ड है। इनकी उम्र के हिसाब से उस समय जब इन्होंने ऑडिट साइन की, इनकी एज मात्र 23 साल थी। मैं किसी भी सीए की उम्र के हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल शक नहीं उठाना चाहता कि भैया 23 साल का बंदा नहीं कर सकता, 23 साल का ऐसी 4 कंपनियों की भी कर सकता है। लेकिन बात यह है, इनके कहने का मतलब यह है कि भाई साहब इस कंपनी की पूरी ओवर देखो कि इसके पास है क्या क्या। अडानी एंटरप्राइजेस की 156 से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, उसके अलावा जेवी अलग है, उसके अलावा एफिलेट अलग है, और आप कर रहे हो जिस कंपनी में काम वो कंपनी ये रही। इस कंपनी का ये ऑफिस है, इसका किराया है 32,000 रुपए। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 4 तो यहाँ पे पार्टनर हैं और 11 इनके पास एम्प्लॉई हैं। तो क्या 11 एम्प्लॉई में कैपेसिटी है कि ये पूरा कर दें? अब ये प्रैक्टिकल टर्म्स में है, नॉन प्रैक्टिकल टर्म्स में है, ये आरओ हिंडनबर्ग का है। कितना सही कितना गलत ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में ऑडिटर खुद भी क्लैरिफाई करते हैं कि सिर्फ ये 2 चीज ऐसी है जहां पे छोटी कंपनियां थी, बाकी अडानी पावर में अर्नेस्ट एंड यंग के एफिलिएट है एसआरबीसी, अडानी पोर्ट में डेलॉइट है, अडानी ट्रांसमिशन में डेलॉइट है, अडानी ग्रीन में एसआरबीसी भी है जो अर्नेस्ट वाली, और धर्मेश पारिकन कंपनी। तो कुल मिला के बाकी में तो ये कहते हैं कि यार यहां तो बड़े बड़े ने किया है, पर यहां थोड़ा सा गड़बड़। और इसी के साथ ये रिपोर्ट होती है खत्म। मैंने इस रिपोर्ट में आप मान लो 70% रिपोर्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया है, 30% पॉइंट जो मैंने छोड़े हैं कि उसी से रिलेटेड। अब एक ही तरह की बात है, उसके 10 एग्जांपल दिए मैंने, 3 आपको समझा दिए, 7 आप पढ़ लेना। ये रिपोर्ट कंप्लीट पढ़ चुका हूं, अब रिपोर्ट यहां होती है खत्म, और यहां से वो 88 सवाल चालू हो जाते हैं जो हिंडनबर्ग उनसे पूछ रही है कि इनका जवाब दो। अभी अडानी की ग्रुप की तरफ से 88 सवालों पे एक भी जवाब नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक हो गया कि पता नहीं है कहीं आरोप सही तो नहीं है। अभी देखो चीज ऐसी है, बीच में खड़ी है। अभी यहां से अगले हफ्ते बात हो सकता है हिंडनबर्ग पे केस हो जाए, अडानी जीत जाए, हो सकता है अडानी पे केस हो जाए और अडानी जी का बबल पड़ जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। इस समय सब अपनी अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं। जो अडानी जी के समर्थक हैं या अडानी जी के सफल होने में जिनका फायदा है, जिनका अडानी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, वो चाहते हैं, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं इस तरह से कि कैसे भी ये चीज उड़ जाए। और जो इनके नेगेटिव है, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया या जो इनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, वो एंटी में है कि भैया डूब जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मार्केट कल मंडे को खुलेगा, तभी पता पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं, मुझे इस केस में क्या लगता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इस रिपोर्ट में हुई है, पहली बात मैंने वर्ग का एक भी विचार नहीं किया, एक एक शब्द यहाँ से आपको पढ़ के बताया, मैं मेरे मन के विचार अब रख रहा हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में नहीं बोलूंगा, पर ऐसा इनके अलावा बहुत सारी कंपनियां चल रही है।
बहुत सारे केस आते रहते हैं, शिकायतें होती रहती है, उस पर कार्रवाई होती रहती है, किसी पे कार्रवाई का बहुत लंबा असर पड़ जाता है, किसी पे कार्रवाई होती है शेयर पूरा टूट जाता है, किसी पे 10% टूटता है, किसी पे कार्रवाई चलती रहती है। अब इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो हम ऐसा देखते हैं कि भैया कुछ भी नहीं था, सब जीरो था। यहाँ पे इनके पास एटलीस्ट असेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनके वापस आने की एक छोटी सी संभावना बनती है। दूसरी बात जो हमेशा कहते हैं कि एक कंपनी है जिसके 90% शेयर बाजार में बचे हुए हैं और मार्केट में पैनिक हो गया तो सबके सब बेचेंगे तो इसका कंपनी खत्म हो सकती है। लेकिन मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था 75% शेयर तो इनके खुद के पास ही हैं, और जैसा रिपोर्ट आरोप लगा रही है कि 10-15% भी भाई बंधुओं ने बांट रखे हैं, तो मार्केट में शेयर ही कितने हैं, 10-15%। अगर उनको कुछ डैमेज भी होता है तो शेयर टूट सकता है, एक लोअर सर्किट, दो सर्किट, तीन सर्किट लग सकते हैं, पर जैसा अपन कहते हैं कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी ही डीलिस्ट हो जाएगी, सब कुछ बंद, सब कुछ बर्बाद, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कल को आप मेरी ओपिनियन करें, राहुल जी आपने ऐसा कहा था इसलिए मैंने शेयर बेचे नहीं, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा आप मत कीजिएगा। आपको रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट में क्या है बता दिया है, मेरी ओपिनियन दे दी है। एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जब गलत होता है तो लगता है सब कुछ गलत है, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब शेयर बढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था अडानी को कौन रोकेगा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तब कोई नेगेटिव सुनने को तैयार नहीं था। आज शेयर टूट रहा है तो सबको लग रहा है टूटेगा टूटेगा, आज कोई पॉजिटिव सुनने को तैयार नहीं है। तो बात क्या है, स्टॉक मार्केट का गेम क्या है, ये रिवर्स में चलता है, रिवर्स साइकोलॉजी में चलता है। जब पूरी दुनिया खरीदने को भाग रही होती है आपको बेचना चाहिए, जब पूरी दुनिया बेचने को भाग रही होती है आपको खरीदना चाहिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप करो ना करो। एज अ डिस्क्लोजर मैं बता दूं, मैं अडानी का कोई भी शेयर स्टॉक होल्ड नहीं करता किसी भी तरह का, क्योंकि इससे भी मैं 5,290 से ज़्यादा शेयर है, तो जिस कंपनी में हाई रिटर्न है हाई रिस्क भी है तो मैं पर्सनली होल्ड नहीं करता। पर मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट, थोड़ी राय जो मैं रख सकता हूँ मैंने राय रखी है, इसको अपनाना नहीं अपनाना आपके ऊपर है। और इसको मैं कहता हूँ मेरी राय को आग बंद करके बिल्कुल मत अपनाओ, अपनी रिसर्च करो, चार आदमी से और पूछो और फिर डिसाइड करो। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। आपको इसमें कोई भी और चीज़ जानना चाहते हो मेरे से, कोई चीज़ कमी लगी, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, पर मुझे नहीं लगता इसको कहने से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आदमी अपनी ओपिनियन है। किसी ने मुझे मोदी भक्त मान रखा है, किसी ने मुझे भाई साहब गोदी मीडिया मान रखा है, किसी ने मुझे भाई साहब एंटी अडानी मान रखा है, मुझे क्या मानना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बिजनेस कोच हूं जो बिजनेस की बातें करता है। मेरे 100 में से 95 वीडियो बिजनेस पे फोकस होंगे, आपको पसंद आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। 5 वीडियो जहां पे अडानी जी या कुछ पॉलिटिकल आ जाता है उसके बेसिस पे आप लेबल लगा रहे हैं, आपकी इच्छा है। बाकी मैं इतना कहूंगा, बिजनेस की बात करते रहेंगे, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाते रहेंगे, और कोई जो गलती होगी वो भी आपको बताते रहेंगे। आपके सामने क्लिष्ट चीजें जो मीडिया कुछ कहता है वो चीज सीधी, उसको सीधी भाषा में समझाएंगे। ये इस चैनल का उद्देश्य है, इसको आगे बढ़ा रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे, और भी वीडियो अगर आप बोलेंगे तो जरूर आएंगे, नहीं तो हमारे साथ एक टॉपिक पे अटकने वाली चीज नहीं है, बहुत कुछ इंडिया में एक्सप्लोर करना बाकी है। टाटा ग्रुप पे एक मेरी लंबी चौड़ी की स्टडी सीरीज है, आप वो देखिए, शार्क टैंक पे सीरीज है वो देखिए, कोई नई सीरीज चाहिए तो मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।